नगर थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव की फसलें यमुना में आए पानी से हुई जलमग्न, किसान हुआ खासा परेशान। शासन प्रशासन के द्वारा की गई चौकी स्थापित, क्षेत्र का किया दौरा। मथुरा जनपद के कस्बा शेरगढ़ में लगातार दो दिन से बढ़ रही यमुना नदी में जलस्तर को लेकर शेरगढ़ थाना क्षेत्र व नौहझील थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव की फसलें बर्बाद हो गई, वही किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। बताया जाता है कि दो दिन पहले हथिनी कुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए करीब 182,000 क्यूसेक पानी से यमुना नदी पूरे उफान पर है। किसानों की बात पर गौर करें तो हर साल किसानों के खेतों पर खड़ी सैकड़ों एकड़ फसल को यमुना के गाल में समाता देखते रहे हैं। जब इस संदर्भ में ग्राम प्रधान गोविंद सिंह गुलालपुर से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन अपनी पैनी नजर रखे हुए है, चौकी स्थापित कर दी गई है। दो दिन से लगातार संबंधित सभी शासन प्रशासन लोग आ रहे हैं। इस जलस्तर से सैकड़ों एकड़ किसानों की फसलें नष्ट हुई है। वही जलस्तर के बढ़ने से शेरगढ़ क्षेत्र के दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। कस्बा नौझील थाना व शेरगढ़ क्षेत्र के यमुना नदी के किनारे बसे हुए गांव दौलतपुर, छिनपराई, बसाव, बाबूगढ़, ओझानी, शेरगढ़ आदि दर्जनों गांव भी यमुना नदी में आए हुए अचानक जलस्तर से किसानों की फसलें नष्ट हो गई। वहीं पर किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि सही ढंग से गांव का सर्वे कराया जाए और सर्वे कराकर जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसान भाइयों को कुछ राहत की सांस मिले। वहीं पर शासन प्रशासन ने भी एड़ी चोटी एक कर रखी है। प्रशासन के द्वारा पहले ही सभी गाँव वासियों को अलर्ट कर दिया गया था और यमुना पुल से कस्बा नौझील की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा नीचा होने के कारण पानी सड़क से आर पार निकल चुका है, जिसमें की रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, जिनमें टू व्हीलर वाहन नहीं निकल पा रहे हैं, जिनको भैंसा बुक्की व ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर वाहन स्वामी निकल रहे हैं। वही शासन प्रशासन ने शेरगढ़ नौझील मार्ग को बंद कर दिया है। वही तहसीलदार छाता मनोज कुमार वार्षणीय के साथ नायब तहसीलदार बाढ़ की स्थिति का जायजा लेकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद यमुना पुल पुलिस चौकी, चौकी इंचार्ज आदेश कुमार, हेड कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल गंभीर सिंह, कांस्टेबल अंकित कुमार आदि मौजूद रहे। क्या नाम है जी आपका? तोताराम। यहाँ शेरगढ़ यमुना पुल पर ये क्या हो रहा है, क्या मामला है? यमुना पुल पर दो दिन से अचानक यमुना को जलस्तर बढ़ जाने के कारण जी इस रोड पर पानी हर साल आता है जी, हर साल की भांति जैसे पहले आता है ऐसे अब आता है और पानी अचानक बढ़ गया है। तो इस जल स्तर से किसानों का कोई नुकसान हुआ है क्या? यहाँ भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है, कौन कौन सी फसल नष्ट हुई है? धान की फसल नष्ट हुई है, बाजरा भी बो रहा है, ज्वार भी बो रही है और तमाम मूंगफली भी है। यहाँ लगभग दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं और ज्यादा ये दर्जन। यहाँ शासन प्रशासन का कोई सहयोग हुआ है? सहयोग चल रहा है, रास्ता अवरुद्ध पड़ा है, वो वहाँ प्रशासन के लोग खड़े हैं। खड़े। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम सरदयाल तिवारी है। भाई ये क्या हो रहा है यहाँ शेरगढ़ यमुना पुल पर, क्या मामला है? ऐसा हो रहा है जी, यहाँ पे दो तीन दिन से लगातार यमुना स्थल का जी स्तर बढ़ रहा है जी, बहुत काफी ज्यादा है और दो तीन दिन हो गए इसको, इसी बात से पानी चल रहा है यहाँ पर जी, चल रहा है। तो इस जल स्तर से कोई जन नुकसान हुआ है क्या? हाँ जी, इसमें काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है, किसी की ज्वार बाजरा वगैरह धान वगैरह सभी के किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। तो ये यहाँ कोई शासन प्रशासन का कोई सहयोग? हाँ, प्रशासन का पूरा सहयोग है, यहाँ खड़े हुए हैं शासन के, प्रशासन के दो बंदे खड़े हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी पूरा सहयोग है उनका। अभी तक यहाँ कोई और वैसी कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई अभी केवल फसलें बर्बाद हुई हैं। ये कौन सी जगह है? ये है यमुना पुल शेरगढ़ नौजिल।